बोलिया तेरे माथे में बलतीन रे ओरे सुजागात फिरे से ओ भाई। अरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे सने चार दिना की चमक चांदनी दूर क्या का घमंड करे से तेरे माथे सुनोगे मजा होगा कि तेरे माथे में बलतीन रहे घमंड में सूजिया गात फिरे से चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। पहली बात में बताया ये हमारे बड़े बुजुर्ग ने कह दिया करे बेटा समाज में तीन चार चीज हैं जो सारी उम्र दुख देंगी से देंगी कौन कौन सी खेत में गली दारू की थैली और राम रही मुर की चेली सारी उम्र से दंगी मारी कई माता बाण जाती बताई बाबा दो संकट कटवाने को बाबा संकट काटी है रा बाबा आप जेल में पड़े मच्छर मारे तारे कितने संकट काटेंगे लेकिन फिर भी वे बाबा भी खतरनाक वे भी नहीं कहेंगे नु तन मन धन तीनों चीज बाबा का अर्पण कर दो। जबकि विद्वान लोगों ने बताया है तन होता है पति के लिए मन होता है परमात्मा की भक्ति के लिए और धन होता है दान पुण्य करने के लिए लेकिन वो बाबा न्यू कहने तीनों चीज तुम तो मेरा दे दो मैं कर दूंगा जो करना है घमंड नहीं करना चाहिए। पहली बात मैं बताया इंसान न्यू मानता हो तेरे पास में पैसे हैं धन दौलत तू इस बात का घमंड कर ले सदा नहीं रहना पहली बात में क्या लिखा क्यों कर मान लिया तेरे धन भी से या बड़ी बात नहीं से धन वैश्या के भी हो जा जिका जात जमात नहीं से कर्म करा दंड पड़े भोगना यो तेरे हाथ नहीं से मात पिता ताई मात पिता तेरी बहू लाडली तेरा कोई भी साथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से उस नगरी में ले जाया जागा अरे उस नगरी में ले जाया जागा जो कई को मरे से चार दिना की चमक चांदनी तू क्या का घमंड करे सरे चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से नहीं से धनु वैश्या के भी हो जा जी का जात जमात नहीं से कर्म करया दंड पड़े भोगना तेरे हाथ नहीं से मात पिता तेरी बहू लाडली कोई भी साथ नहीं से तने उस नगरी में ले जाया जाएगा जो कई कोस परे से घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात में आदमी न्यू माने भाई तू ताकतवर है तू जवान है इस बात का घमंड कर ले यो भी सदा नहीं रहनी क्योंकि बताया कि नर कर आगे का ख्याल मत ना चौड़ा होगा चाल बुढ़ापा बैरिया होगा के खेल खिलाओगा जवानी का भी घमंड नहीं करना चाहिए सदा नहीं रहनी लेकिन आजकल के बूढ़े भी खतरनाक हो गए। ओहो बुढ़ापा दे तो ईशा दे भगवान है कसूते बूढ़े हैं। एक बूढ़ा अस्पताल में चला गया जाके बोला डॉक्टर साहब मन कम दिखे है मेरी आंख चेक कर डॉक्टर बोला भीतर आ जाता हूँ। उसने भीतर ले गया एक कुर्सी पर बैठा दिया अरे कैलेंडर लेकर आया जिस पर तारीख लिख रहा करें
एक तारीख पांगली धर कर ताऊ तेन बोला ताऊ देख के बता मैंने कितनी तारीख पांगली धर रखी है। ताऊ ने देख के फिट बता दी बिल्कुल बोल भाई 30 तारीख पे। डॉक्टर ने सोची ताऊ ने दिक्कत है थोड़ा और छोटे अक्षरा का कैलेंडर लेके आया एक तारीख पांगली धरी बोले ताऊ ये बता कितनी तारीख पे धर रखी है। ताऊ ने वो अभी देख के बता दी बोले 15। अब डॉक्टर का छो उठता आ गया अगे ताऊ तेरा समय खराब करना है इस नशारा दिखे है। डॉक्टर बिल्कुल छोटे अक्षरा का कैलेंडर लेके आया अरे फिर तारीख पांगली धरी ताऊ ने वो अभी देख के बता दी। डॉक्टर का गुस्सा आया कैलेंडर पाड़ के फेंक दिया। अरे उस ताऊ तो गुस्से में बोले ताऊ तने के नहीं दिखता मारा समय खराब करना आ तने सब की में दिखता तने के नहीं दिखता। वो ताऊ ला काड़ा तो बोले भाई सगाई आले नहीं दिखते स्वाद लेने पहुंच गया है। दूसरी बात मैं बुढ़ापे के बारे में जिक्र करें के लिखा कैसे अरे खून रहना आवे बुढ़ापा खून रहना आवे बुढ़ापा और ऊंचाटी होगी बेटे और बेटों की बहुत है तेरी तबीयत खाटी होगी आँखियाँ ते तने कम दिखेगा तेरी रे रे माटी होगी कोई भी ना तेरी पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी रे कोई भी ना पकड़े आंगली हाथ में लाठी होगी रे क्या करे न्यू थके शेर के रे 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 छोरा उसकी माँ उसने डॉक्टर धोरे लेकिन डॉक्टर साहब मारे इस छोरे ने देखिए इसने खवा खवा का हार ली ना इसका दूध लागता ना घी लागता ना बादाम लागते ना चमनपुरास लागता खवा खवा का हार ली इसका के लागेगा। डॉक्टर ने बोले इसने घर ले जाओ इसका दाग लागेगा। वो छोरा बड़ा हो गया बड़ा होगा शरीर बिल्कुल नू पतला और मन में नुक में डोन हूँ रेल में बैठा जा मुंह में सिगरेट लगा रखी टांग बटांग धर रखी दो आदमी एक सीट पर अगला बैठा चौड़ा हो गए। एक आया अनुक भाई साहब थोड़ा सा परे ना हो लो मैं भी बैठ जाऊंगा। उस तकड़ के बोले अनुक तन बेरा मैं कौन हूँ नु कहते वो अगला डर गया सोचे बोले मैं के सौदा है वो चला गया। थोड़ी देर में एक और आया आकर वो बोले अनु भाई दो आदमी की सीट घेर रखी है थोड़ा सा परे ना हो लो मैं भी बैठ जाऊँ। उस तक बोले अनुक तन बेरा मैं कौन हूँ नू कहते वो भी डर गया सोचा बना के बंदूक बंदूक ले रहा काट दे वो भी डर गया पीछे से ले गया। अबे थोड़ी देर में पहलवान आया वो पिछले गांव में तो कुश्ती हार खाया था उसको गुस्सा तो पीछे का आया था वो चढ़ा रेल में। अब चढ़ते ही वो फेट गया सबसे पहले उस तबले नुक पर है ना रे। अब उसने तो उसते भी नहीं कही नुक तन बेरा मैं कौन हूँ नू कहते पहलवान ने पकड़ के उसकी थोथरी इधर उधर ठा लिया नुक हाँ केस है तू नुक भाई बीमार हो तड़े दर्दे मर जाएगा मतलब फिर भी शरीर में कुछ नहीं फिर भी घमंड करे जागा घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरी कली में केली कैसे के? अरे जब बोले जब आडा बोले चल लगा जुबा के ताड़ा मन चाहे उत्पात करे तेरा बंदे गमते पाला मात पिता तेरा कुटुंब कबीला तू जिनका बनया रुखाला पल भर में एक पल भर में समय न पलट दे यो लीले तंबू वाला है पल भर में लीले तंबू वाला है तन की किस्ती तेरे मन का दरिया किस्ती
इस भजन पे खुश हो के मेरे बड़े ही प्यारे भाई हैं, गुरुजी के दोस्त हैं, आदरणीय भाई रोहित यादव नेचाना गांव से, और 500 रुपये भाई नीरज यादव, दोनों 500 रुपये से मान सम्मान करते हैं, इनका तहे दिल से धन्यवाद। भजन की आखिरी कली और पूरे भजन का निचोड़ किस प्रकार से आखिरी बात में क्या लगता तू किसे की भी कोन्या माने इसी तेरी के अस्ति होगी एक दिन उजड़े होगा और जागा या नगरी में बसती होगी देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में तेरी बहुर बीच किसती होगी उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सबते सस्ती होगी उस दिन नखरे रूप जवानी सबते सस्ती होगी एक चाल कमा के खाए रे 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 हो एक चाल कमा के खाए बसिया ए बासरे से रे चार दिखा की चमक चांदनी रे क्या का गाने करे से